लेकिन यार तू अचानक कैसे आ गया? तेरी सजा खत्म होने में 3-4 दिन आना पड़ा मोहिनी के लिए। हाँ लोटे का था पता, कसारा घाट के पास शैतान तिगड़ी की झोपड़पट्टी में उसका अड्डा है। लेकिन तुझे कैसे पता चला? कपूर चरसी के अड्डे पर बंबई के सारे बदमाशों का पता चल जाता है। किसी भी चरसी को 10-15 रुपए की चरस पिला दो, पता चल जाएगा। लेकिन पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, टाड़ा हो सकता। सिर्फ इतना बता दे कब चलना है यार। अभी इसी वक्त। तुम सब लोगों का गुजारा कैसे चल रहा है? अरे मुर्गी वालों अपनी मुर्गी संभालो, अरे मुर्गी वालों अपनी मुर्गी संभालो। आप यहां? तुमने अपना रास्ता और पेशा भले ही बदल लिया हो, मैं अब भी उसी रास्ते पर चल रहा हूं और मेरा पेशा भी वही है। महेश, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन मेरा गुनाह क्या है? अगर तुम्हें तड़ीपार किया गया है तो जरूर तुमने कोई गुनाह किया होगा। कानून ने समाज के फायदे के लिए ही तुम्हें समाज के बाहर रखने के काबिल समझा होगा। इसी समाज ने एक दिन अपने फायदे के लिए प्रभु रामचंद्र को भी 14 साल के लिए तड़ीपार कर दिया था। उन्होंने कौन सा गुनाह किया था सर? लेकिन कानून की नजरों में तुम गुनहगार हो। तुम जानते नहीं एक पुलिस वाले को चाकू दिखाने का क्या हश्र हो सकता है? मैं जानता हूं सर, 1-2 साल की सजा और क्या, मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन इस वक्त मेरा यहां से जाना जरूरी है सर। चल बबन। महेश रुक जाओ, मेरा फर्ज यह कहता है कि तुम्हें गिरफ्तार करो और जरूरत पड़े तो इसके लिए गोली चला दो। तो चलाइए गोली। मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि देश के लिए मर मिटने की कसमें खाते खाते तुम उसके दुश्मन कैसे बन गए। मैं अपनी पिछली जिंदगी भूल चुका हूं। याद करना होगा क्योंकि मेरा फर्ज सिर्फ गुनहगारों को रोकने का नहीं बल्कि गुनाह रोकने का भी है। और अगर मुझे यह पता चले कि तुम जैसे होनहार नौजवान गुनहगार कैसे बनते हैं तो शायद आने वाले सालों में कुछ नौजवानों को गुनहगार बनने से रोक सकूं। आप गुनहगारों को रोकने की बात करते हैं सर, मुझे तो आपकी पुलिस ने गुनहगार बना दिया। कैसे? मेरे पास यह सब बयान करने का वक्त नहीं है सर, आप मुझे सिर्फ 1 दिन की मोहलत दीजिए। मैं 24 घंटे के अंदर अंदर खुद को आपके हवाले कर दूंगा और सब कुछ बता दूंगा जो आप जानना चाहते हैं, फिर आप जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। देखो महेश, मैं तुम्हें मोहलत नहीं दे सकता लेकिन तुम्हारे साथ चल सकता हूं। ठीक है। हाँ महेश, अब बताओ कि तुम तड़ीपार कैसे बन गए? नासिक से आने के बाद मैंने यहाँ कॉलेज ज्वाइन कर लिया और बोट क्लब के स्विमिंग पूल में नौकरी कर ली, जहाँ एक दिन मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था मोहिनी। ओ मैडम, स्कूल बंद होने का टाइम हो रहा है, आप क्या पानी में उतरने का मौका ढूंढ रही हैं? यहाँ कोई लेडी टीचर नहीं है सिखाने को? अब मैं क्या बुराई है मैडम, मुझे लेडी टीचर से ही सीखना है। अरे क्यों मेरे पेट पर लात मार रही हो? यही लात पानी पे मारिए, तैरना आ जाएगा। कोई मर्द मुझे हाथ लगाए ना, उससे पहले मैं डूब जाना पसंद करूंगी। आपकी मर्जी, मगर मुझे लड़कियों को हाथ लगाने में कोई परहेज नहीं। कमान गर्ल्स, आइनज आप, कमान कमान। जरा इसके नखरे तो देखो महारानी के, और नहीं तो क्या? कोई मर्द मुझे हाथ लगाए, उससे पहले मैं डूब जाना पसंद करूंगी उसके दिल के स्विमिंग पूल में। जा मोटी, अभी बताती हूँ मैं तुझे इसके स्विमिंग पूल में, रुक जाओ। अरे
ठीक है कि नहीं है? सीखने वाले को ना सही, डूबने वाले को तो इस बात का परहेज नहीं होना चाहिए कि बचाने वाले के हाथ मर्द के हैं या औरत के। बचने का बहुत बहुत शुक्रिया। कम ऑन गर्ल्स, कम ऑन, कम ऑन। चलो 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 चलो, चलो। 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 चलो।